तो आई होप गाइस कि आप सबको मालूम होगा कि हम सभी लोग इस चैनल पे अभी गूगल एड्स का फ्री में कोर्स चला रहे हैं। उसी में से आप सभी लोगों में से, जी हाँ मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा आखिरकार ये गूगल एड्स का थ्रीशोल्ड अकाउंट क्या होता है, उसमें जो कैसे करके हम सभी लोग $350 फ्री में ले सकते हैं। और $350 मैं आप लोगों को बता दूं, इंडियन रुपीज़ में अराउंड 20,000 के आसपास होता है, जो कि गूगल आप लोगों को एकदम फ्री में देता है। तो क्यों देता है, वो कैसे करके आप सभी लोग ले सकते हो और उसका क्या क्या यूज कर सकते हो, सभी चीज़ मैं आप लोगों को ये वीडियो में गाइड करने वाला हूँ। मेक श्योर कि आप सभी लोग ई वीडियो का जो है कोई भी एक छोटा सा भी पार्ट को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वरना आपका ही लॉस होने वाला है। चलिए हम सभी लोग वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये गूगल एड्स का थ्रीशोल्ड अकाउंट क्या होता है। इसको जो है सिंपली आप सभी लोग एक क्रेडिट कार्ड की तरह बोल सकते हो। जैसे एक क्रेडिट कार्ड में होता है कि आपका अकाउंट में पैसा नहीं होता, फिर भी आप सभी लोग कुछ अमाउंट जो है यूज कर लेते हो और बाद में जा करके वो बैंक को पेमेंट कर देते हो। कुछ उसी तरीके से जो है गूगल एड्स भी आप लोगों को एक अकाउंट देता है, जिसको कि हम सभी लोग थ्रेशोल्ड अकाउंट बोलते हैं। जब आप सभी लोग कोई भी अकाउंट जैसे कि USA में, कैनेडा में या फिर समटाइम्स इंडिया में भी क्रिएट करते हो और वहाँ पर जो है गूगल आप लोगों से आपका डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन लेता है, तो जैसे ही आप सभी लोग अपना कार्ड का इन्फॉर्मेशन दे देते हो वहाँ पे, मे बी वहाँ पे शायद प्रीपेड कार्ड एक्सेप्ट नहीं करता। जब भी आप सभी लोग अपना कार्ड का डिटेल्स वहाँ पे फिलअप कर देते हो, गूगल जो है आपका कार्ड वेरीफाई करता है, सभी चीज़ ठीक रहा तो गूगल जो है स्पेशली USA में $350 का आप लोगों को थ्रीशोल्ड दे देता है। इसका मतलब यही हुआ कि आपका जो है गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट हो गया, उसमें आपका क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड जो भी आपने दिया हुआ है वो लिंक हो गया और साथ ही साथ आप लोगों को जो है $350 का थ्रीशोल्ड मिल चुका है। अब इसको आप सभी लोग क्या कर सकते हो कि $350 आप सभी लोग ऐड चलाने के लिए यूज कर सकते हो। जैसे ही आप लोगों का $350 ख़त्म होगा, गूगल जो है आपका क्रेडिट कार्ड से क्या करेगा कि $350 डिडक्ट कर लेगा और फिर से जो है आप लोगों को $350 दे देगा। जैसे कि आप सभी लोग नॉर्मल गूगल एड्स अकाउंट में पहले बैलेंस को लोड करते हो, उसके बाद एड्स चलाते हो, लेकिन जो इसमें पहले आप सभी लोग एड्स चलाओगे और जितना भी पैसा आपका बना मंथ के एंड में या फिर आप लोगों का थ्रीशोल्ड कंप्लीट होते ही आपने जो अपना कार्ड का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वहाँ से गूगल सिंपली डिडक्ट कर लेता है। अब इसको बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपना जो है अकाउंट पहले गूगल एड्स का क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद जो है $350 का थ्रीशोल्ड ले लेते हैं। अब $350 में क्या होता है कि वो लोग जो है $340 यूज करते हैं और वो अकाउंट में से अपना क्रेडिट कार्ड को हटा करके या फिर वो अकाउंट को बंद कर देते हैं और उसके बाद वो लोग फिर से नया क्रेडिट कार्ड नया नाम से जो है दूसरा अकाउंट क्रिएट करते हैं, वहाँ से भी $340 यूज करते हैं, फिर वो अकाउंट को बंद कर देते हैं। वैसे करके बहुत सारे वो लोग अकाउंट क्रिएट करते हैं और वो अकाउंट से अगर आप लोगों को $350 यानी कि 20,000 के अराउंड अगर आप लोगों को फ्री में मिल रहा है, उससे अगर आप सभी लोग अपना यूट्यूब चैनल भी प्रमोट करते हो तो आपको जो है इजीली लाखों में व्यूज़ देखने को मिल जाएगा, अच्छा खासा सब्सक्राइबर देखने को मिल जाएगा। अगर आप सभी लोग अपना वेबसाइट प्रमोट करते हो तो अच्छा खासा ट्रैफिक ला सकते हो, या फिर अगर आप सभी लोग ऐप्स वगैरह जो चीज़ आप लोग चाहो वहाँ से प्रमोट कर सकते हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि थ्रीशोल्ड अकाउंट क्रिएट करके बहुत लोगों को सेल भी कर देते हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि थ्रीशोल्ड अकाउंट बाई भी करते हैं। तो $350 का वो लोग थ्रीशोल्ड क्रिएट करके इजीली 5,000 10,000 15,000 में जो है वो लोग सेल भी कर देते हैं। अब जो है मैं आप लोगों को मोटा मोटी एक आइडिया दे देता हूँ कि कैसे करके आप सभी लोग थ्रीशोल्ड अकाउंट खुद से बना सकते हो। आप लोगों को क्या करना है, सिंपली एक USA वाला अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो है वहाँ पे क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड जो भी आप लोगों से वहाँ पे कार्ड का इन्फॉर्मेशन मांग रहा है वो अपना कार्ड वहाँ पे लिंक कर देना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है आप लोगों को आपका थ्रीशोल्ड अकाउंट देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो है वहाँ पे मैक्सिमम लोगों का अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। और वो क्यों हो जाता है उसका जो है मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। मान लीजिए आप सभी लोग हो इंडिया से और इंडिया में बैठ कर अगर आप सभी लोग USA का थ्रेशोल्ड अकाउंट क्रिएट करते हो तो वहाँ से जो है गूगल डिटेक्ट कर लेगा, तब भी जो है आपका अकाउंट को सस्पेंड कर देगा। या फिर मान लीजिए कि आप लोगों ने जो वहाँ पे क्रेडिट कार्ड या फिर जो भी कार्ड आपने यूज करा है वो जो है फेक क्रेडिट कार्ड है, या फिर बहुत सारा CC जनरेटर साइट होता है जहाँ से आप सभी लोग क्रेडिट कार्ड्स को जो है जनरेट कर सकते हो, अगर वहाँ से अगर आप लोगों ने फेक क्रेडिट कार्ड ऐड करा है फिर भी जो है आपका अकाउंट वहाँ पे सस्पेंड हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आपका एक IP एड्रेस या फिर आपका एक डिवाइस से अगर आपका कोई एक अकाउंट सस्पेंड हो जाता है
तब जो है गूगल आपका जितना भी अकाउंट आप लोग वो डिवाइस से बनाओगे या फिर वो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से बनाओगे तो वो भी अकाउंट गूगल आपका सस्पेंड कर देगा। तो इसको जो है क्रिएट करने के लिए बहुत सारे लोग RDP यूज करते हैं। RDP मतलब कि सिंपली आप सभी लोग कोई एक सर्वर खरीदते हो और वहीं पे जो है आप अपना एक वर्चुअल कंप्यूटर को अपने डिवाइस से एक्सेस करते हो। तो बहुत सारे लोग RDP खरीदते हैं और साथ साथ मार्केट में अगर आप सभी लोग सर्च करोगे वीजा कार्ड तो वहाँ से आप लोगों को जो है वीजा कार्ड भी मिल जाएगा। तो वो सभी खरीद के जो है बहुत सारे लोग, इसका लंबा प्रोसेस है, अगर आप सभी लोग कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली भी करके वो चीज़ दिखा दूंगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वहाँ से जो है 300 अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं और साथ ही साथ खुद का ऐड रन कर लेते हैं या फिर किसी और का ऐड रन कर लेते हैं या फिर जो वो अकाउंट को बाद में जाकर के सेल भी कर देते हैं। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि गूगल एड्स 300 अकाउंट क्या है, उसको कैसे करके आप सभी लोग क्रिएट कर सकते हो और साथ ही साथ गूगल आप लोगों को फ्री में वो $350 आखिरकार क्यों देता है। और अगर आप लोगों का कुछ भी डाउट बचता है तो आप सभी लोग कमेंट भी कर सकते हो या फिर सीधा मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप सभी लोग डायरेक्टली वहाँ पे आकर के कुछ भी क्वेरीज हो तो डायरेक्टली मुझसे आप सभी लोग बात भी कर सकते हो। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर भी कीजिए, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों ने हम लोगों का गूगल एड्स का कोर्स अभी तक नहीं देखा तो यहाँ पे जो है वीडियो होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, वहाँ से जाकर के आप सभी लोग पूरा वीडियो को वाच वहाँ से कर सकते हो बिल्कुल फ्री में।